नमस्कार स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है इसके करने से कीर्ति पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसे निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है युधिष्ठिर बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है कृपा कर विस्तार से कहिए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं हे राजन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है यह पुण्यों को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको लोक में प्रसिद्धि मिलती है इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या भूत योनि दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं झूठी गवाही असत्य भाषण झूठा वेद पढ़ना झूठा शास्त्र बनाना ज्योतिषी झूठा वैद्य आदि सब के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वे नरक को जाते हैं परंतु इस एकादशी के व्रत को करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो उनको भी नरक का भागी बनना पड़ता है लेकिन इस व्रत के प्रभाव से वे भी स्वर्ग को जाते हैं जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है वह फल इस एकादशी के व्रत करने से भी मिल जाता है सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए जिससे अंत में विष्णुपद की प्राप्ति होती है आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के संबंध में प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर अधर्मी तथा अन्यायी था वह अपने ही बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था उस पापी ने अपने बड़े भाई की एक दिन रात्रि में हत्या कर दी उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे और अनेक उत्पाद करने लगे एक दिन अचानक धौ ऋषि उधर से गुजरे उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया अपने तपोबल से प्रेत उत्पाद का कारण समझा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का अपना जो प्रयत्न था उसे अपने पुण्य को प्रेत को अर्पित कर दिया इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया हे राजन यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत